तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं खुली अर्थव्यवस्था, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, और इसका पार्ट नंबर है सेकंड। और इस वाली वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, साथ ही आपकी जो समष्टि वाली बुक है वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वाले वीडियो में मैंने वो टॉपिक लिए हैं जो कि आपके टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन आंसर करने के तरीके भी इसमें बताए गए हैं, कि अगर क्वेश्चन आंसर आता है आपका टॉपिक के साथ तो आप उसको पॉइंट टू पॉइंट कैसे सॉल्व करोगे। एक और बात बता दूं, ये वाला जो वीडियो में जितने भी टॉपिक लिए गए हैं आपको एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप से लिए गए हैं और इसके सभी टॉपिक जो है वो आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां पर, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्थिर विनिमय दर से क्या अभिप्राय है और इसके प्रकार लिखो। तो जब हम बताएंगे यहां पर स्थिर विनिमय दर, तो सबसे पहले तो हमें बताना है स्थिर विनिमय दर क्या होता है और फिर इसके प्रकार बताने हैं, ठीक है। स्थिर विनिमय दर दोस्तों, मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था हल्का सा कि स्थिर विनिमय दर क्या होता है। स्थिर विनिमय दर का मतलब होता है वो जो दर है जिस दर पर वो काम हो रहा है वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट है, वो क्या है, स्थिर है। उसमें स्थिर का मतलब है कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक और बात वहां पर पॉइंट करने वाली थी, नोट करने वाली थी, कि वो जो स्थिर दर थी वो परिवर्तित नहीं होती है। किसकी वजह से? बाजार की शक्तियों की वजह से। लेकिन वो परिवर्तित होती है किसकी वजह से? सरकार द्वारा, जब सरकार उसमें कोई उतार चढ़ाव करती है। ये वही वाला स्थिर विनिमय दर है, लेकिन प्रकार आपको बताने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, इस वाली वीडियो में जितने भी टॉपिक को और क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में आए गए क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लिख लें जो आपको आगे हेल्प करेगी। यहां पर हम इसको देखते हैं, स्थिर विनिमय दर, पहले मैं जल्दी से बता दूं ये क्या होता है। ये स्थिर दर होता है जैसा कि आपको बताया था, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं रहा होता क्योंकि ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, परिवर्तन इसमें नहीं होता। लेकिन इसमें परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन क्यों होता है? स्थिर दर का मतलब ये नहीं है कि इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, ये परिवर्तित होगी, लेकिन ये बाजार की जो शक्तियां होती है अपना उसकी वजह से नहीं होंगी, ये सरकार की वजह से और उनके उतार चढ़ाव की वजह से परिवर्तित जो है वो होती है। आगे आपको इसके प्रकार के बारे में हमें बताना है कि इसके जो है दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है विनिमय दर की स्वर्ण मान प्रणाली। अब देखिए, विनिमय दर तो मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है। स्वर्ण मान का मतलब होता है, यहाँ पे स्वर्ण का मतलब आपको पता है गोल्ड, और मान का मतलब क्या है, उसका मूल्य। तो उसके बारे में पढ़ेंगे स्वर्ण मान प्रणाली, और उसके बाद विनिमय दर की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, ये बिल्कुल अलग है एक, इसके बारे में जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विनिमय दर की, ऐसी दर जिसका जो मूल्य होगा वो किसके रूप में होगा, गोल्ड के रूप में, यानी स्वर्ण के रूप में उसका मान होगा, उसकी प्रणाली समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको हल्का सा ध्यान देना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्वर्ण मान प्रणाली की, तो ये 1920 के दशक से अन्य जो संसार के अनेक भाग थे, अलग अलग भाग थे, वहां पर क्या था, ये फेमस था, ठीक है। इस प्रणाली के अनुसार होता क्या है, देश की जो अलग अलग करेंसी है, देश की अपनी करेंसी, जैसे अपने देश की रुपए है, तो ऐसे ही अलग अलग करेंसी का जो मूल्य था, जो उनकी वैल्यू थी, ठीक है, तो वो वैल्यू को सोने के रूप में परिभाषित किया गया। इसको अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या कह रहा है। सोने के रूप में परिभाषित करने का क्या मतलब है, हमने तुलना कर दी सोने के रूप में, इसलिए करेंसी का मूल्य दूसरी करेंसी में निर्धारित करने के लिए क्या किया, हर एक करेंसी का जो मूल्य था
उसको सोने के रूप में तुलना की जाती थी। तो इससे ये पता चलता था कि कौन सी जो मुद्रा है वो कितनी पावरफुल है। बाद में इसको क्या किया गया, डॉलर के रूप में परिभाषित कर दिया गया। जैसे कि आपको पता है कि अभी जब हम विनिमय दर को मापते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉलर के रूप में तुलना करते हैं कि 1 डॉलर जो है वो 74.44 रुपीज का आएगा, इस प्रकार से। लेकिन उस समय में सोने के रूप में किया जाता था, वही उसी को क्या कहते हैं, उसी को स्वर्ण मान प्रणाली कहते हैं। यहां पर समझिए, 4 UK पौंड की जो कीमत थी वो 4 ग्राम सोने के बराबर थी, और 1 US डॉलर की जो कीमत थी वो 2 ग्राम सोना के बराबर थी। यानी आप यहां पर समझ रहे हो कि यहां पर कौन पावरफुल है, यहां पर जो US है वो ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि जब 4 UK पौंड में, यानी आप इसे एग्जाम्पल समझिए कि अगर 4 रुपए में 4 ग्राम सोना यहां पे मिल रहा है, तो 1 US डॉलर में 1 ही ग्राम मिलना चाहिए था अगर ये बराबर होते तो, लेकिन यहां पर 2 ग्राम मिल रहा है। इसका मतलब UK पौंड से ये डबल ज्यादा वैल्यू वाला है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से यहां पर स्वर्ण के रूप में जो वहां की करेंसी थी उसकी तुलना की जाती थी। इस प्रणाली को विनिमय दर की टकसाली क्षमता भी कहा जाता है। आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस क्वेश्चन को चेंज करके टकसाली क्षमता पूछा जा सकता है, तब भी आपको यही चीज लिखनी है। एक और दोस्तों बात बता दूं मैं आपको कि कई सारे जो अभी हमने टॉपिक करवाए हैं उसमें से कई सारे जो टॉपिक है वो आपको एनसीईआरटी में से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैंने अपने पर्सनल नोट से करवाए हैं। कुछ को जो टॉपिक है वो ऐसे हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी में मैच नहीं करेंगे कुछ क्वेश्चंस। लेकिन आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपको मैं जो भी करवा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हम समझते हैं, सेकंड टॉपिक देखते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जैसे जो ये चैप्टर हम करा रहे हैं, किसी बच्चे के बुक में इसका नाम अलग अलग है तो वो कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन उसने इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ लिया था, तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होती है, तो आप कुमार सिकेर 12 पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, मैं आपकी वहां पर कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। सेकेंड समझते हैं, विनिमय दर के ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। तो दोस्तों ये क्या है ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, इसमें क्या होता है? तो दोस्तों ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या होती है, ये भी एक तरह की स्थिर प्रणाली होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल स्थिर नहीं होती, इसमें समायोजन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, इसलिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, समंजनीय सीमा प्रणाली, आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, और इस प्रणाली के अनुसार कई सारी चीजें होती है, वो भी हम देखेंगे यहां पर। पहले इसको समझिए, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली भी क्या है, एक तरह की स्थिर प्रणाली है, यानी ये भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं है। इसमें कुछ सीमा तक क्या होता है, समायोजन कर सकते हैं, इसकी अनुमति मिली हुई होती है। तो ये जो इसके अंदर विशेषता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ समायोजन हो सकता है, तो इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं विनिमय दर की समंजनीय सीमा प्रणाली। ठीक है, पता चल गया होगा आपको। अब क्या है, इस प्रणाली के अनुसार कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, अलग अलग करेंसियों को एक करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर के साथ संबंधित कर दिया गया। जैसे स्वर्णमान प्रणाली में सोने के रूप में मापा जाता था, कंपेयर किया जाता था, तो अब इस प्रणाली के चलते अमेरिकी डॉलर के साथ संबंधित कर दिया जाएगा और बंदों को उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना ऊपर कितना नीचे है। ठीक है, और क्या होगा, अमेरिकी डॉलर को एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा, कि इसका क्या होगा, अब एक निश्चित स्वर्ण मूल्य निर्धारित हो जाएगा कि इसका कितना स्वर्ण मूल्य है। ठीक है, एक करेंसी का अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य का अर्थ उस करेंसी का सोने के रूप में मूल्य माना जाएगा। यहां पर क्या है, अमेरिकी डॉलर का जो मूल्य का जो अर्थ होगा, चाहे वो कुछ भी हो, मैंने आपको बताया था वो चेंज होता रहता है, तो उसको क्या होगा, सोने के रूप में मूल्य माना जाएगा। ठीक है, दो करेंसियों के बीच समता के लिए स्वर्ण की अंतिम इकाई का कार्य किया जाएगा,
ये फोर्थ हो जाएगा। एक और जो फिफ्थ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसमें क्या है, किसी करेंसी के क्षमता मूल्य में समायोजन केवल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुमति से ही संभव है। अब किसी करेंसी में क्या होगा दोस्तों, मूल्य में समायोजन करना होगा उसका, तो ये कौन करता है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आपको पता ही होगा IMF। तो जब उसकी अनुमति होती है तभी इसमें समायोजन जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रणाली के अनुसार ये सारी जो बातें हैं वो होती है। ठीक है, यहां समझिए। अब वायदा बाजार से क्या अभिप्राय है और इसकी विशेषता लिखो। वायदा बाजार मैंने आपको बताया था बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है, वायदा बाजार क्या होता है, वायदा बाजार विदेशी विनिमय का एक ऐसा बाजार है जहां पर विदेशी विनिमय को या तो खरीदा जाता है या बेचा जाता है। और उसमें क्या होता है, उसमें लेन देन जो है उसके पत्रों पर हस्ताक्षर आज कर लिए जाते हैं, लेकिन जो भुगतान होता है, जो लेन देन होता है, वो भविष्य में किसी दिन पूरा होता है। ठीक है, ये होता है अपना वायदा बाजार। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि ये केवल भविष्य से संबंधित होता है, उसका आज से कोई लेना देना नहीं होता। आज केवल बातचीत हो जाती है, बाकी जो विनिमय होना है, चालू लेन देन जो है वो नहीं होता इसमें, हाजिर बाजार की तरह नहीं होता। ठीक है, और ये भविष्य की विनिमय दर को निर्धारित करता है, जिस पर भविष्य में लेन देन किसी भी दिन, जिस दिन वो निर्धारित करेंगे उस दिन लेन देन पूरा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये वाला। आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे समझते हैं। देखिए, विदेशी विनिमय बाजारों से क्या अभिप्राय है और इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है और जो हेडिंग है वो इसकी मेन इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होती है, कि आपको हेडिंग जो है वो सेम टू सेम ऐसा ही और टू द पॉइंट लिखना होता है। तो क्वेश्चन समझिए, विदेशी विनिमय बाजार क्या होते हैं पहला तो ये, और उनके कार्य जो है हमें बताने हैं। तो विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जहां पर अलग अलग देशों की राष्ट्रीय करेंसियों को या तो खरीदा जाता है या बेचा जाता है। विदेशी विनिमय बाजार समझ गए आप, सबसे इजी डेफिनेशन है ये इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके कार्य समझते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है हस्तांतरण कार्य। ठीक है, इससे अभिप्राय क्या है, विश्व के अलग अलग देशों के मध्य क्रय शक्ति को यहां पर हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, एक ही वर्ड था इसमें इंपॉर्टेंट, वो था क्रय शक्ति। उसके बाद क्या है, शाख कार्य। शाख आपको बताया था मैंने मनी और बैंकिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, जिस बच्चे ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है लेकिन डिलीट हो चुके हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक, और जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा आसान बन चुका है। ठीक है, तो यहां पर समझिए इसका अभिप्राय क्या है, विश्व के अलग अलग देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के लिए विनिमय के रूप में शाख का प्रावधान कराना। इसका क्या मतलब होता है, देखिए अलग अलग देशों में, जैसे ये देश ए है और ये देश बी है, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात, यानी वस्तुएं और सेवाएं भेजी जा रही है और लाई जा रही है, तो इनके विनिमय के लिए कोई शाख तो वहां पर होना चाहिए जो कि इन दोनों का काम कराए। तो इसलिए यहां पर जो है उस शाख का इंतजाम कराना, ये इसका कार्य होता है सेकंड। उसके बाद है दोस्तों जोखिम से बचाव, जिसे हेजिंग के नाम से जाना जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझिए। यहां से विदेशी विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव, जोखिम से बचाव, ये इसका इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कोई बंदा क्या कर रहा है, वो भविष्य में लेन देन करेगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और मान के चलो वो किसी के बदले में गोल्ड देने वाला है, किसी चीज के बदले में गोल्ड देने वाला है, या उसका जो विनिमय है वो गोल्ड होने वाला है, सोना। तो अब क्या होगा, गोल्ड का जो प्राइस है बढ़ता घटता रहता है, तो ये कैसे होगा, तो इसमें तो उस बंदे को घाटा हो जाएगा जिसने महंगाई पे खरीदा और जो भाव है वो गिर गए, तो क्या होगा उसका घाटा हो जाएगा। लेकिन उसी चीज को बचाने के लिए यहां पर हेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, उस समय क्या होगा, उसको वही कीमत मिलेगी जो वहां पर पहले से उसको वचन दिया जा सक दिया गया है,
और इसका जो क्रय विक्रय होगा वो भविष्य में होगा, ठीक है। तो जोखिम से बचाव यही होता है, विदेशी विनिमय दर पर वचन दे दिया जाता है उसी समय, चाहे क्रय विक्रय का जो भविष्य में जो मूल्य हो या भविष्य में कोई भी अवधि हो, वो उसको उसी रेट पर जो है वो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जो बंदा होगा उसका जो नुकसान है वो नहीं होगा। यहां पर समझते हैं हम विदेशी विनिमय से क्या अभिप्राय है, विदेशी विनिमय की मांग क्यों की जाती है। विदेशी विनिमय हमने बात कर ली है इस टॉपिक में कि विदेशी विनिमय क्या होता है, इंपॉर्टेंट है इसकी मांग क्यों की जाती है। एक बार विदेशी विनिमय भी मैं आपको बता देता हूं। विदेशी विनिमय क्या होता है, विदेशी करेंसी मुद्रा, यानी कि हमारे देश को छोड़कर सभी करेंसी मुद्रा जो है वो विदेशी मुद्रा कहलाती है और विदेशी विनिमय भी, ठीक है, क्योंकि जो अपनी मुद्रा होगी वो तो घरेलू मुद्रा होगी। यहां पर देखते हैं इसका, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में आ जाता है कि विदेशी विनिमय से क्या अभिप्राय है और मांग क्यों क्यों जाती है। उसके बाद सेकंड इस प्रकार क्वेश्चन बन जाता है कि विदेशी विनिमय से क्या अभिप्राय है और उसके मांग के स्रोत। इन दोनों का जो क्वेश्चन होगा उनका आंसर एक ही होगा, जो मैं अभी आपको यहां पर बता रहा हूं। आपको एक लाइन में डिफाइन कर देना है कि विदेशी विनिमय से अभिप्राय है विदेशी करेंसी मुद्रा से, अर्थात अपनी घरेलू करेंसी को छोड़कर सभी करेंसियों से, ठीक है। अब इसके यहां पर आप कार्य को जो है यहां पर आपको क्या करना है, मांग के स्रोत को या मांग क्यों की जाती है उसको समझना है। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऋण जो लिए जाते हैं उनका भुगतान भी तो करना है। अंतरराष्ट्रीय ऋण विदेशी विनिमय के रूप में लिए जाते हैं। अगर कोई लोन लिया जाता है किसी प्रकार का तो वो किसके रूप में लिया जाता है, वो विदेशी विनिमय के रूप में लिया जाता है। अब जब इसका भुगतान करेंगे तो क्या करेंगे, वो भी विदेशी विनिमय के रूप में की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए विदेशी विनिमय की मांग जो है वहां पर की जाती है, ठीक है। आगे यहां पर है विदेशी निवेश। आपको दोस्तों पता ही होगा कि विदेशी निवेश कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी व्यापार में। जैसे मान के चलो आपकी कोई कंपनी है, हम मान के चलते हैं कि हमारी कोई कंपनी है SS के नाम से, ठीक है, या KS के नाम से, तो उस वो कंपनी आपकी इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, चल रही है, ठीक है। लेकिन आप क्या करना चाहते हो, उस कंपनी को और बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको और ज्यादा प्रॉफिट की जरूरत है और आप दूसरे किसी कंपनी में निवेश करोगे। अगर आपने अपने कंट्री में बहुत अच्छा निवेश कर रखा है तो आप क्या करोगे, उस दूसरी कंट्री में जाकर निवेश करोगे, ठीक है। तो दूसरी कंट्री में निवेश करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, इसकी जरूरत होती है विदेशी विनिमय की, क्योंकि उसी करेंसी में वहां पर निवेश हो सकता है, जिस कंट्री में हम वहां पर निवेश कर रहे हैं वहीं की जो करेंसी है वो हमें वहां पर चाहिए होता है, तो वो हमें कौन दे सकता है, विदेशी विनिमय की वजह से मिल सकता है। तो इसलिए भी यहां पर इसकी मांग की जाती है विदेशी निवेश की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर और देखते हैं आयात। तो दोस्तों आपको पता है हमारे यहाँ क्या है, शेष विश्व में सभी देशों में क्या होता है, मोबाइल फोन, टीवी, किसी प्रकार की सेवा, बैंकिंग, बीमा, इन सब का आयात करना होता है, ठीक है। अब जब हम आयात करेंगे तो उस समय हमें किसकी जरूरत पड़ जाएगी, विदेशी विनिमय की जरूरत जो है वो पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी, क्योंकि उस समय उस आयात का जो भुगतान है, यानी कोई भी सामान हमारे देश में आया है तो उसका जो भुगतान करना पड़ेगा वो हमें विदेशी विनिमय में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर इन सब जगहों पर क्या होता है, हमें यहाँ इस चीज की जरूरत जो है पड़ जाती है, ठीक है दोस्तों। और अब मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर इंपॉर्टेंट, कि जो भी होता है यहां पर, अगर किसी प्रकार का आपको समझ में नहीं आता डेफिनेशन, क्योंकि आपको पता है कि इको में जो डेफिनेशन होती है, जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो मुश्किल होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे वो इस वीडियो से रिलेटेड हो या इस चैप्टर से रिलेटेड हो या आपकी किसी बुक में हो, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी kumarsikin12 पर भेज देना है। 24 आवर्स के अंदर क्या है, आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपनी वॉइस में रिप्लाई कर दूंगा,
99% का जो है रिप्लाई मैं कर देता हूं, वैसे मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जो बचा होगा, ठीक है। तो ये करना है आपको, और आपकी जो डेवलपमेंट वाली जो बुक की सीरीज है मे भी उसे भी शुरू करना है। मैं आजकल में वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इसे शुरू करना है कि नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी एपिसोड वाली वीडियो आएगी जिसमें आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कराते हैं, उसके बाद आपकी मे बी ई बुक भी आए, आपके पेड क्लास और हमारे ऐप में आपके जो एमसीक्यू है वो हर एक फ्राइडे को अपलोड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी चीजों को फॉलो करें जिससे आपके इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और खुशी की बात ये है कि इस बार क्या होगा, आपको चैप्टर डिटेल में तो पढ़ना है, ये तो आपका हार्ड वर्क है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। और स्मार्ट वर्क से जो है आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि इस बार आपको पता है कि आपका जो पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा है वो एमसीक्यू बेस्ड है, और उसको प्रैक्टिस करवाना और उसके सॉल्यूशन देना वो हमारा काम है। तो इस प्रकार के काम जो है अपने यहाँ पर जारी रखेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही आपका जो चैप्टर है और आपकी जो ये बुक है कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आ गई तो आप कर सकते हैं एक लाइक, कमेंट करके आप अपने सुझाव जो है नीचे दे सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख ही रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।